नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, पब्लिक एजेंडा में आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे कल जो घटनाक्रम हुआ था, मध्य प्रदेश में भी अब 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिलेगा, क्योंकि आरक्षण का जो कोटा है वो बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को पार कर गया है। आज की स्थिति में जो हालात बन रहे हैं, जो स्थिति बन रही है, क्या इसको सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा? वैसे सदन में एक बहुत अच्छा नजारा ये देखने को मिला कि सभी लोगों ने, दोनों दलों ने ध्वनि मत से 27% आरक्षण की सहमति दी है। क्या इससे समाज को लाभ मिल पाएगा? क्या समाज की स्थिति, वो उसमें एक बात विधानसभा में निकल कर आई है जिस पर हर आदमी ने चर्चा की है। उनका कहना था कि उच्च वर्ग में, पिछड़े वर्ग में भी बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं जो बहुत धनाढ्य हैं, बहुत संपन्न हैं, लेकिन आरक्षण का पूरा लाभ वो लोग ले लेते हैं। आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए, जो दूसरे लोगों को मिलना चाहिए, जो वास्तविक रूप से जमीनी निचले लेवल पर है, जिसको आरक्षण की आवश्यकता है, उसे नहीं मिल पाता है। और यही वजह है कि आरक्षण का पिछले 70 सालों से जो चला आ रहा है उसमें जरूरतमंद को कम मिला है, और जिनको नहीं मिलना है, एक बार आरक्षण अगर किसी को मिल गया तो जरूरी नहीं है कि पूरी पीढ़ी को आरक्षण मिलता जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता जाए। जमीनी, जो जमीन पे सबसे निचले लेवल पे है, उसको आरक्षण कम से कम मिले। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए जो लोग आए, हम उनसे परिचय कराएंगे। उसके पहले हम क्या कहा है कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर, वो आपको दिखाते हैं। सदन में प्रदेश के विकास के लिए, चहुंमुखी विकास के लिए, चाहे यहाँ पे अन्य वर्गों के, जैसे पिछड़ा वर्ग के जो 27% आरक्षण की बात हो, प्रदेश के विकास के लिए कई यूनिवर्सिटियों की, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे सरकारी जो छिंदवाड़ा के अंदर एक मॉडल यूनिवर्सिटी और बन रही है उसके बारे में बात हो, अलग अलग विधेयकों के ऊपर चर्चा हुई। यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य विभाग के भी कई विधेयक, कुष्ठ रोग के ऊपर भी विधेयक को, इस प्रदेश के समग्र विकास के लिए आज बेहतर तरीके से सदन में चर्चा हुई और चर्चा के साथ सर्वसम्मति से सभी विधेयक पारित हुए। देखिए, पिछड़े वर्गों को न्याय मिले, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है, और देश में पिछड़ा वर्ग आयोग भारतीय जनता पार्टी ने देश में सबसे पहले बनाया है, तो हम सभी वर्गों को न्याय मिलने के पक्ष में हैं और इसका स्वागत करते हैं। भाजपा प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लिए हम हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के तीन तीन मुख्यमंत्री देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के समाज के लिए नहीं किया जो कमलनाथ ने कर दिया है। और अगर कमलनाथ ने ये किया है तो उसके साथ एक चीज और सामने आई है कि उनको लाभ मिल सके, एक बात और आई, 10% सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण का की प्रस्ताव पारित किया गया था, इसके अलावा भी जो नीडी है उसको लाभ मिल सके। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड IFS अधिकारी और समीक्षक समालोचक आजाद सिंह डवास जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ नवभारत के स्थानीय संपादक खिलावन चंद्रारकर जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार समीक्षक समालोचक कल्पना शर्मा जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम खिलावन जी के पास आना चाहते हैं। खिलावन जी, क्या इससे जो सरकार की नियति है उससे लाभ मिल पाएगा उस वर्ग को, जहां पहले 13% था, अब फिर बढ़ा दिया गया है, 27% दे दिया गया है? देखिए शिशिर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वंचित और जो दबा कुचला वर्ग है उसको ऊपर उठाने के लिए निश्चित रूप से आरक्षण की व्यवस्था जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब संविधान निर्माताओं ने किया है। और पहले तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण था, बाद में फिर मंडल आयोग बना, मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर फिर देश में अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण की शुरुआत हुई। देखिए, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में तो जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की गई थी और यहाँ स्टेट में जब महाजन कमीशन बना था, उसके बाद उसके रिपोर्ट के आधार पर जो वर्तमान में 27% का आरक्षण है वही आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। बाद में कुछ लोग, कुछ वर्ग के लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से गाइडलाइन आई कि आरक्षण को 50% से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, तो उसकी सीमा बढ़ा करके 14% कर दिया गया, क्योंकि पहले से ही 26% अनुसूचित जनजाति को और 10% अनुसूचित जाति को यहाँ आरक्षण दिया जा रहा था, तो उसके बाद जो सीमा में बचता था वो 14% अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का निर्माण जो है वो पहले तो जब महाजन आयोग था तब लगभग 49% जनसंख्या इसमें समाहित थी, लेकिन महाजन आयोग के बाद कुछ और जातियों को उसमें शामिल किया गया तो लगभग अभी 53 से 54% बढ़ करके
पूरे जनसंख्या का 54% लगभग अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हो गया है। तो मुझे लगता है कि 54% लोगों को न्याय देने के लिए, उनको उनको स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनके सभी चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सभी तरह के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यदि 27% आरक्षण किया गया 14 से बढ़ाकर, तो मुझे लगता है कि सरकार का ये बेहतर कदम है और हर वर्ग के लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि लंबे समय से दिग्विजय सिंह के शासनकाल से जब वापस लिया गया था उसके बाद से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी और उम्मीद थी कि पिछले 15 साल में जो भाजपा का शासनकाल रहा है उसमें अधिकांश प्राय तीनों के तीनों मुख्यमंत्री जो बने हैं वो पिछड़ा वर्ग के बने हैं। तो मुझे लगता था कि पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए वो कुछ काम करेंगे और आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए वो किन्हीं कारणों से, क्या इच्छा शक्ति नहीं थी या किस क्या क्या है ये तो राजनीतिक लोग ही जानेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि यदि वो पिछड़ा वर्ग के हैं और पिछड़ा वर्ग का के समर्थन की बात है तो मुख्यमंत्री को आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले, जब सरकार बनी उसके 2 महीने बाद ही घोषणा कर दी गई कि हम पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% कर देंगे। कुछ कानूनी अड़चन आई तो फिर उन्होंने कहा कि हम इसको कानूनी रूप देने के लिए विधेयक लाएंगे विधानसभा में। विधेयक लाया गया और विधेयक पर चर्चा भी हुई, गहन चर्चा हुई, किसी ने विरोध नहीं किया कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोगों ने, और सर्वसम्मति से वो पारित किया गया। तो मुझे लगता है कि एक बड़े वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, हर दृष्टिकोण से ऊपर उठाने के लिए एक बड़ा कदम है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल खिरावन जी, अगर इससे लाभ मिलता है तो एक बहुत बड़ा वर्ग पूरे देश में पिछड़ा वर्ग का जिस तरीके की उपस्थिति है, लेकिन एक चीज आपको लगती है कि इस तरीके के आरक्षण बढ़ाने से अच्छा सुविधा बढ़ाई जाए? कई देशों में, विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां निःशुल्क शिक्षा है और कंपलसरी है कि आपको शिक्षा ग्रहण करना ही है, और अगर शिक्षित समाज हो जाएगा तो इन आरक्षणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हर हाल में अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ ना कुछ रोजगार करेंगे, नौकरी करेंगे। ये जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, ये प्रतिशत तो वही का वही है, किसी का हिस्सा कम करके दिया जा रहा होगा ये? निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जो सामान्य वर्ग के है, जो अनारक्षित वर्ग है, उनके हिस्से का हक मार के ही ये आरक्षण दिया जाता है। और मैं पहले भी किसी जाति आधार पर आरक्षण का पक्षधर नहीं रहा हूँ, मैं सदैव पक्षधर रहा हूँ कि जो आरक्षण मिलता है किसी के जीवन स्तर को, किसी के सामाजिक व्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए यदि आरक्षण दिया जाता है वो उसका आधार आर्थिक होना चाहिए, इस बात का समर्थक हूँ मैं। लेकिन चूँकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने देखा है कि अनुसूचित जाति के जो लोग वर्तमान में आरक्षण की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, वो पहले इसकी पहले पीढ़ी भी उसकी सुविधा प्राप्त कर चुके हैं, दूसरी पीढ़ी भी और तीसरी पीढ़ी भी और चौथी पीढ़ी भी, लेकिन उसी समाज का एक वंचित वर्ग है जो बहुत बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जो गांव से बाहर निकल के शहरों में नहीं आ पाता, जो शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक नहीं है, ऐसे वर्गों को का तो कोई कल्याण हुआ नहीं है। खास एक ऊंचा ऊपर उठ चुके हैं जो लोग आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, वही लोग उसको लाभ दिए जा रहे हैं। यही अनुसूचित जनजाति को लेकर के है। गांव में आप देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, चाहे राजनेता हो, चाहे प्रशासन के लोग, चाहे दबंग हो, सब दबाने की उसको कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनमें आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, सभी तरह के पिछड़ापन है। लेकिन इसी वर्ग के खास लोग जो बार बार उस आरक्षण के लाभ को उठा रहे हैं, निरंतर उठा रहे हैं, और बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं, और यही होने वाला है पिछड़ा वर्ग के साथ जी। लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत है, शुरुआत के बाद परिणाम कुछ दिन बाद, 2 साल 5 साल 10 साल बाद आएंगे, तो उसकी समीक्षा की जा सकती है कितना लाभान्वित हो पाया ये वर्ग। तब हम समीक्षा करेंगे, तब हम जान पाएंगे कि सरकार का ये कदम बेहतर है कि नहीं। क्या है? जी, बिल्कुल। कल्पना जी, क्या लगता है आपको, इससे समाज में बदलाव आएगा जो कमलनाथ जी ने किया है? देखिए, आरक्षण आज पहली बार तो नहीं मिला कि हम ये कहें कि इससे बदलाव आएगा। बदलाव जरूर आता यदि नियम, देखिए जो नियम है उनमें फेरबदल करने की आवश्यकता थी। मैं नहीं मानती थी कि आरक्षण का जो परसेंट था वो कम था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस हिसाब से होता है, जो एक ही परिवार के लोग अगर उसका लाभ मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उठाते चले जाते हैं, तो ये समाधान नहीं हो सकता था। आरक्षण का एक लिमिट थी, जब भारत आज़ाद हुआ
कितने सालों का संविधान में वर्णित था कि 10 साल तक के लिए आप इसको लागू कर सकते थे। मेरे हिसाब से अगर आरक्षण की बात की जाती तो आर्थिक स्थिति जरूर मैटर करती थी, क्योंकि आज भी सामान्य वर्ग हो और भी बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिसमें चाहकर भी बच्चे ना तो शिक्षित हो पाते हैं ना उनको वो सुविधाएं मिल सकती हैं, तो उन लोगों के विषय में जरूर ध्यान देने की आवश्यकता थी। लेकिन समस्या यही है क्योंकि अभी चुनाव नजदीक है, नगर पालिका नगर निगम जो चुनाव, उनको नजर में रखकर जब इस तरह की कोई भी आने वाले समय चुनाव को नजर में रख के जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है कोई भी सरकार हो, तो वो कहीं ना कहीं एक वर्ग को उस चीज की हानि जरूर होती है, उसी का खामियाजा आने वाले समय में जो सामान्य वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। वो पढ़ा लिखा जरूर है लेकिन बेरोजगारी की मार झेलता हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जरूर था कि चिंतन मनन इस पे किया जाता कि हम उस तबके को जिसको हम चाहते हैं कि वो आगे आए उसको उठाने के लिए शिक्षित शिक्षा के स्तर को किस तरह से बढ़ा सकते थे, उस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन हमने जरूर 27% आरक्षण कर दिया। ओवरऑल परसेंटेज का जो मार्जिन, जिस तरह से आरक्षण का मार्जिन देखा जाए वो इतना ज्यादा हो गया है कि सामान्य वर्ग अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा से महसूस कर रहा है। तो ये स्थिति बहुत चिंतनीय है और इस पे जरूर चिंता, मतलब इस पे जरूर विचार विमर्श सबको बैठ के करना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ उन विशेषज्ञों को भी अपनी राय रखनी चाहिए जो इस तरह की, जब कोई भी विधेयक पारित होता है उस समय वो जरूर बातों को रखे कि इसका जरूर आप एक वर्ग को फायदा देना चाहते हो लेकिन उसके जो नुकसान है उनका जरूर ध्यान रखा जाए, और उसके गाइडलाइन बहुत मैटर करता है, उसको सिस्टम में लाया जाए कि कौन उस लाभ का असली भागीदारी होना चाहिए। लेकिन समस्या सिर्फ वहीं आती है कि हम उस ओर ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ एक ही परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ उठाते हैं। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कल्पना जी, वो संभवतः जब तक राजनीति है और जब तक राजनेता लोग हैं उसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हर को प्रत्येक को शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए, प्रत्येक को का घर और उसकी स्वास्थ्य की व्यवस्था अनिवार्य कर दी जाए तो शायद इस तरीके की किसी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। हमारे साथ आजाद सिंह डवास जी हैं। डवास जी, कल जो हुआ जिस तरीके से ध्वनि मत से सबने स्वीकार किया, आपको लगता है कि इसके साथ साथ ये भी करना चाहिए कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो जिस लेवल पे बैठे हुए हैं, जिस स्तर पे बैठे हुए हैं, कम से कम ऐसे लोगों को अवसर मिल सके कि जो नीडी है, आर्थिक आधार पे कमजोर है, ऐसे आदमी को अवसर मिलना चाहिए? पहले तो कल जो ये विधेयक पारित हुआ है ओबीसी को 27% आरक्षण देने का जी, ये सरकार द्वारा बहुत देर से उठाया गया एक अच्छा कदम है जी। हर किसी को आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए जी। इसमें कोई दो मत नहीं है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आबादी 52% के आसपास सरकारी डॉक्यूमेंट्स में है, प्रशासनिक प्रतिवेदन जो अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का बना है उसमें है। उसकी इतनी बड़ी आबादी को अभी तक मात्र 14% आरक्षण दिया जा रहा था, जबकि आबादी 52% है। अब इसको बढ़ा के 27 कर दिया, टोटल 63 हो गया, और उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो भी केंद्र सरकार ने किया उसको जोड़ेंगे तो 73% हो जाएगा। तमिलनाडु में बरसों पहले से 69% आरक्षण है। महाराष्ट्र में अभी मराठा को मिला के 68% हो गया है। कर्नाटका में 65% के आसपास है। इवन झारखंड में 60% है, 10% वीकर सेक्शन का छोड़ के, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का छोड़ के सामान्य वर्ग के लिए जी। तो यहाँ तो बरसों से मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ अन्याय हुआ है जी। उस हिस्टोरिकल जो इंजस्टिस हुआ है उसको करेक्ट करने का ये प्रावधान, ये कल विधेयक पारित हुआ है जी। दवा साहब, जो सरकार 15 साल से पहले थी और उसके तीन तीन पिछड़ा वर्ग के ही मुख्यमंत्री दिए, बाबूलाल गौर हों, उमा जी हों या शिवराज सिंह जी हों, ये पिछड़ा वर्ग से ही आते थे, और इन लोगों ने कार्रवाई नहीं की, इन लोगों ने सिर्फ पिछड़ा वर्ग के नाम पर राजनीति की, और कांग्रेस आते ही साथ कमलनाथ ने जो कुछ किया है, तो आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा होगा? कल्पना जी की एक सवाल की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको, कि आने वाला समय चुनाव है इसलिए ये चुनावी लाभ के लिए उठाया गया कदम है?
नहीं, चुनाव तो इस देश और प्रदेश में पांचों साल चलते हैं जी, ये कोई नई बात नहीं है जी। दरअसल आरक्षण को एक पेचीदा मसला पॉलिटिकल पार्टीज ने ही बना दिया गया है जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई कास्ट सेंसस करवा दें, जाति जनगणना होनी चाहिए और 1881 से 1931 तक जाति जनगणना होती रही है। उसके बाद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण से वो आंकड़े नहीं आए और उसके बाद से आजाद हो गया देश और 51 से किन्हीं कारणों से शायद ऐसा माना गया कि इसे जाति भावना बढ़ेगी, इस कारण से कास्ट सेंसस बंद हो गया। हालांकि पिछले 2011 में इसकी मांग बहुत जोर शोर से उठी थी, एक आधा अधूरा सेंसस कराया भी गया। क्या प्रॉब्लम है अभी 2021 में फिर से सेंसस आ रहा है, तो एक कास्ट सेंसस करा दिया जाए इस देश में। अगर जाति की जनगणना रोकने से जाति मिट गई हो तो फिर ये सवाल जो है वो नहीं उठाया जाना चाहिए, लेकिन जाति तो दिनों दिन बढ़ रही है। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी तो ये रियलिटी है, हमारे समाज की एक रियलिटी है। चाहे शहर हो, शहर में थोड़ा बहुत कम कह सकते हैं, जैसे हम चार लोग बैठे हैं शायद हो सकता है हमें एक दूसरे की जाति ना मालूम हो, गाँव में तो एक हर एक का मालूम रहता है जी। और वो बढ़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि हर एक को आगे बढ़ने का प्रावधान होना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। आज भी 54% आबादी को अगर ये लागू हुआ, मुझे शक है क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में इसके खिलाफ जो है वो इसको चैलेंज किया जा चुका है, और अगर मध्य प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के ठीक आंकड़े जो अधिकारी कर्मचारी अभी शासकीय सेवा में हैं या एक आर्थिक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण गांव का ना करा के अगर ठीक से आंकड़े माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती है, तो कोई ताजुब नहीं होगा मुझे कि दोबारा इस पे स्टे लग जाएगा। एक बार 15 साल पहले स्टे लग चुका है, हो चुका है बिल्कुल। और बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है, मैं पार्टी एंगल से बात नहीं कर रहा हूँ, जिसने वो मुख्यमंत्री दिए होंगे लेकिन उन्होंने तो इसकी तरफ सोचा तक नहीं। जिस समाज का वो साल दर साल और हर 5 साल बाद लाभ लेते रहे, उसका उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। कम से कम कांग्रेस की सरकार ने इस बारे में विचार किया, अब ये कितना ठहरता है, इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि साहब एजुकेशन की, एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है, बट क्वालिटी एजुकेशन कहाँ है? अगर गरीबों को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए तो फिर सवाल ही नहीं है। मैं भी गांव के टाट पट्टी से पढ़ के आया हूँ, गरीब वर्ग से ही संबंध रखता था। उस समय पढ़ाई सरकारी स्कूलों में अच्छी होती थी, तो हम आज आपके साथ बैठ के एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं, एक एक लेवल तक पहुंचे। आजकल तो पढ़ाई है ही नहीं स्कूलों में, आजकल मुफ्त ड्रेस है, खाना है, जैसा भी दे रहे हैं उसमें सड़ा गला लेकिन दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं दे रहे। और शासकीय स्कूलों में गरीबों के बच्चे ही जाते हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग के भी बच्चे हैं। तो गरीब अगर सामान्य वर्ग में है तो उसका बच्चा आज भी शासकीय स्कूलों में पढ़ रहा है, ओबीसी एससी एसटी के तो मेजोरिटी के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। जब वो बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ेंगे जहां पढ़ाई होगी ही नहीं, तो आरक्षण का लाभ भी इन सभी वर्गों की क्रीमी लेयर ही उठाएगी। और वो क्रीमी लेयर ही उठा रही है, और वो क्रीमी लेयर ही उठाती रहेगी। जो वास्तव में नीडी लोग हैं वो अभी भी समाज में हाशिए में है और हाशिए में पड़े रहेंगे। चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में अनिल भूलचंदानी जी, हम उनका स्वागत करते हैं। अनिल जी, क्या लगता है क्यों आपके 15 साल की सरकार में 52% आबादी को न्याय नहीं मिल पाया? देखिए, न्याय पिछड़ा वर्ग के ही तीनों मुख्यमंत्री थे। नहीं, पिछड़ा वर्ग को जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी हमेशा देती आई है, ये झुंझुना है। ये झुंझुना, मैं सिंह साहब की इस बात से सहमत भी हूं कि कुछ ही दिनों में इस पे फिर नया एक स्टे आ जाएगा, नए बहुत सारे विवाद पैदा हो जाएंगे। आंकड़े सही किसी की भी सरकार हो, मैं न भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ न कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी जो ढांचा चलाते हैं, जो लोग इन व्यवस्थाओं को देखते हैं, वो सही आंकड़े लाते ही नहीं है। और इस चीज से भी मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि जो क्रीम क्रीम लोग हैं जो इस लोगों का फायदा ले जाते हैं। देखिए, आरक्षण जिस वर्ग को मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है, और जो लोग बड़े पदों पर बैठ गए उनको आरक्षण की जरूरत है नहीं। लेकिन ठीक है, कांग्रेस सत्ता में जब भी आती है तो झुंझुना जरूर ले आती है, जैसे किसानों को कर्ज माफी का झुंझुना ले आई थी, ये आरक्षण भी किसी प्रकार का झुंझुना है जो आगे जाके होना कुछ नहीं है। चलिए, हमारे पास समय की कमी है, कल्पना जी क्या लगता है आपको कि इसका लाभ कांग्रेस को मिल पाएगा आने वाले समय में?
देखिए, लाभ और हानि तो वक्त बताएगा, लेकिन ये बात सच है कि जिस तरह से आरक्षण देने की बात जिस तरह से की गई, अभी मैं सभी की बातें सुन रही थी, किसी ने सिर्फ देखिए, जब आप खुद भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर पता चलता है कि वो कोटे से आया हुआ है तो आप उसको दिखाना भी नहीं चाहते हो। अगर ये स्थिति बनी रहेगी इस तरह से, अगर आगे नवाजी ने क्वालिटी की जो बात जी, की, वो क्वालिटी मैं आपसे वही बात कहना चाहती हूँ कि हमको हमारी क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, सबको एकजुट होके आवाज उठानी पड़ेगी, बराबर हम सबके क्वालिटी के लिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम आरक्षण दे दे के एक ही तबके को मजबूत करते चले जाएं और बाकी जो योग्यता रखते हैं वो चाहते हुए भी आगे ना आ पाए। इस स्थिति से बचने के लिए बहुत जरूरी है वक्त रहते सबको एकजुट होके जो जो बेसिक जरूरतें हैं इस समय उनको जरूर मजबूत करने के लिए एकजुट होके आवाज उठानी की आवश्यकता। चलिए खिलावन जी, क्या इस तरीके के जो आरक्षण किए जाते हैं इसमें वोट बैंक की राजनीति होती है? देखिए, सरकार के द्वारा उठाए गए प्रायः सभी कदम में वोट बैंक की राजनीति होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी खास वर्ग को लाभान्वित करने के लिए, किसी खास वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए यदि इस तरह के निर्णय हुए हैं तो उसको वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कल्पना ने जिस तरह से आशंका व्यक्त की कि इनके दुष्परिणाम को भी हमें सामने रखना चाहिए, और अनिल जी ने भी कहा कि क्रीमी लेयर का एक मामला है, मुझे लगता है कि आरक्षण जिस वर्ग को दिया जा रहा है यदि क्रीमी लेयर की बहुत वैज्ञानिक विधि से तय किया जाए कि कितनी सीमा होनी चाहिए उनकी आय की, और उस क्रीमी लेयर की जो सीमा तय करके उसको कड़ाई से पालन कराया जाए, तो ऐसे वर्ग जो बार बार लाभ ले रहे हैं आरक्षण का, वैसे वर्ग को उससे पृथक किया जा सकता है, और जो वंचित शोषित वर्ग है जिनको वास्तव में आरक्षण की ज़रूरत है, जिनको वास्तव में ऊपर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की ज़रूरत है, शैक्षणिक व्यवस्था को ऊपर उठाने की ज़रूरत है, उनको तभी लाभ मिल पाएगा। तो क्रीमी लेयर तय हो, और क्रीमी लेयर तय होने के बाद ऐसे क्रीमी लेयर तय नहीं होना चाहिए जैसे अभी पिछड़ा वर्ग के लिए तय किया गया था, बहुत वैज्ञानिक आधार होना चाहिए उसका, और क्रीमी लेयर तय करके उसका कड़ाई से पालन करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए मन तो से छोटी सी उसको लाभ जी जी तभी सी बात जरूर कहना चाहूंगी कि मैं इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो वाकई में ही जो कम पढ़ा लिखा तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको तो हमारी योजनाओं के बारे में पता ही नहीं चलता, तो जब पता ही नहीं चलेगा तो उसका लाभ कहाँ से ले पाएंगे? डबाजी जी, देखिए आरक्षण का मसला जबरदस्ती पेचीदा बनाया हुआ है, बहुत सिंपल सा मामला है जी। जाति जनगणना करा दी जाए और उसके आधार पर इसको वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया जाए जी। कौन कितना है, कितना हिस्सा पा रहा है और कितना पाना चाहिए, सब चीज़ें सामने आमे। एक अगर स्वस्थ प्रदेश और एक सक्षम देश बनाना है तो वक्त आ गया है इन आरक्षण की उससे ऊपर उठा जाए और सबको आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं, ईमानदारी से दिए जाएं, तभी हम एक सशक्त देश बना सकते हैं। इसमें अगर ईमानदारी बढ़ती जाए तो किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। सवाल यही है कि इसमें बेईमाना उलझा हुआ है, हमारी नीयत ठीक नहीं है। देने वालों की अगर नीयत साफ हो तो ये कभी का आगे बढ़ चुका होता, और हम इन चीजों में ना उलझ के आज जापान और अमेरिका की तरफ और चाइना की तरह प्रोग्रेस कर रहे होते, हम इन्हीं जाति पाति धर्म वर्म इसमें उलझा के इस देश को रखा हुआ, इससे ऊपर उठने की जरूरत। बिल्कुल अनिल जी, समय की कमी है, आपको क्या लगता है कि 15 साल में आप लोगों ने जो नहीं किया था वो कमलनाथ जी ने किया और इसका फायदा नगरीय निकाय चुनाव में पूरा लाभ मिलेगा, पिछला वर्ग आपसे दूर हो जाएगा क्योंकि आपने नहीं दिया आरक्षण? देखिए, कांग्रेस की न नीति साफ है न नीयत साफ है, और मैं इस चीज से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ कि जितने भी शोषित हैं, जो वास्तविक आरक्षण का हकदार है उसे तो मिलता नहीं है। जो आरक्षण के दम पर किसी पदों पर जाकर बैठे हैं वो करते क्या है कि इस प्रकार के आरक्षण के फाइल चली पहुंची, अब उसका लाभ किसको मिलता है? उन्हीं के मामा चाचा साला, वो अपने परिवार के लोगों से फॉर्म भरवा के उनको नौकरी दिलवा के उनको कई सेट कर देते हैं, लेकिन वो योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल पाता है। हाँ, तो वही मैं कल्पना जी के इन बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि वो योजनाएं जिन शोषितों को, जिन गरीबों को, जिन निर्धनों को, जिन असहायों को चाहिए, उन तक योजना पहुंचती नहीं है, उन तक प्रचार प्रसार नहीं होता, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंच ही नहीं पाता, और फिर ये आरक्षण जो है केवल नाम रह जाता है। और जनसंख्या के आधार पर मैं सिंह साहब के बात से 100% सहमत हूँ कि कोई भी सरकार, यहां
आरक्षण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं है, ये उन गरीब शोषितों को उठाने की बात अगर भाजपा करती है चाहे कांग्रेस करती है, जो भी उनको उठाने की बात करती है उनकी नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। जब तक नीति और नीयत साफ नहीं होगी तब तक ये सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, जनता को अगर देना है तो एक रूपता से देना जरूरी है, और अगर नियति साफ है, एक्चुअल में गले तक भरे हुए लोग जब ऐसे जिनको नीड है उनको पता ही नहीं रहता है और उनको देने की बात करते हैं तो वो अपना सुख पहले देखते हैं, जमीनी आदमी का सुख नहीं देख पाते। यही वजह है कि आरक्षण का लाभ जिनको मिलना चाहिए उनको मिल नहीं पाता है, और कुछ ही क्रीमी लेयर, जैसा डबास जी ने कहा कि ऊपर बैठे लोगों को उसका लाभ मिल जाता है। और आवश्यकता राजनीतिक दल कोई भी हो, हम अगर क्वालिटी अच्छी दे दें, हम अच्छी शिक्षा दे दें, अच्छा स्वास्थ्य दे दें और सबको समान अधिकार कर दें, तब हम फिर चाइना और अमेरिका और जापान से आगे निकलने की बात सोच सकते हैं। जातिगत आधार पर उलझा कर ही हमारे देश को पीछे रखने की नीति अगर माननीय राजनीतिक दलों ने बना रखी है तो इसके पीछे शायद वोटों की राजनीति है, और ये जनता समझती है और जानती है। लेकिन माननीय जनता के बारे में भी सोचें, अपने राजनीतिक हित के बारे में सोचने के साथ साथ। हम इसी मुद्दे पर पब्लिक एजेंडा में चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में श्री अनिल भूलचंदानी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी श्री आजाद सिंह दवास जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय पत्रकार के रूप में कल्पना शर्मा जी जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नवभारत के स्थानीय संपादक खिलावन चंद्राकर जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए डीएनएन पर, खबरों का सिलसिला जारी है, मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।